जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तुलसी विवाह कराने से भगवान समस्त पापों को दूर करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में अन धन सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है, जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं वो भी दूर हो जाता है। तुलसी विवाह देव उठानी यानी कि देव उत्थान एकादशी के दिन ही किया जाता है। सुबह देव 4 महीनों के बाद उठते हैं, उसके बाद जितने भी समस्त शुभ कार्य है वो शुरू हो जाते हैं। शाम के समय माता तुलसी का विवाह विष्णु स्वरूप शालिग्राम के साथ किया जाता है। इस विवाह को पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। माता तुलसी को 16 सिंगार अर्पित किया जाता है, सिंदूर दान किया जाता है, यहाँ तक कि माता तुलसी और शालिग्राम के साथ फेरे भी होते हैं, सिंदूरादान होता है और साथ में कन्यादान की भी विधि होती है। अब बात यह उठती है कि क्या कुंवारी कन्याओं को या फिर कुंवारे लड़के को तुलसी विवाह कराना चाहिए या फिर नहीं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी धार्मिक और शुभ कार्य के लिए जोड़े में पूजा का विधान है, यानी कि पति और पत्नी को साथ बैठकर ही पूजा, यज्ञ या फिर किसी धार्मिक कार्य को संपन्न कराना चाहिए। अगर किसी भी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह तुलसी विवाह का व्रत धारण कर सकते हैं और तुलसी विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं। पर कुंवारी कन्या और कुंवारे लड़के को माता तुलसी और शालिग्राम की शादी नहीं करानी चाहिए, इससे उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर वो देव उत्थान एकादशी का व्रत धारण करते हैं, माता तुलसी के और शालिग्राम के विवाह में सम्मिलित होकर सहभागी बनते हैं, कुछ कार्यों को करते हैं, तो उन्हें पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा, जैसे कि माता का मंडप सजाना और पूजा के छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाना। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम आपके समस्त दुखों को दूर करेंगे और आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी।